स्वागत है सभी का सिविल सर्विस स्टडी चैनल पर। देखिए 65वीं बीपीएससी के टेस्ट सीरीज चल रही थी, 16 टेस्ट कंप्लीट हो गए। यह है टेस्ट नंबर 17, इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। जितनी भी टेस्ट सीरीज इस चैनल पर चल रही हैं सबकी प्लेलिस्ट हर टेस्ट के नीचे डाल रहा हूँ, तो वहाँ से उसको विजिट करके किसी भी टेस्ट सीरीज़ का आप लाभ उठा सकते हो। एक प्रश्न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका आंसर दे दीजिए। हर प्रश्न में 2 से 3 सेकंड का टाइम दूंगा, अपना भी लगा लेना कि क्या आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। इम्पोर्टेंट स्टैटिक के प्रश्न हैं कुछ, बिहार पीसीएस 2020 के लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, महाकवि कालिदास किसके राजकवि थे? किसके राजकवि थे महाकवि कालिदास? चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं थे, समुद्रगुप्त के नहीं थे, कुमार गुप्त के नहीं थे, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी, इंपॉर्टेंट है, अलग से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ 3 हैं, इनमें से 1 सही नहीं है। उन्होंने गुप्त शासकों ने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भाग पर शासन किया, तो करेक्ट है। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी उनके शासनकाल में, तो ये भी करेक्ट है। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य पर करों में कमी हुई, ये भी करेक्ट है। तो गलत यही हो गया फिर। राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, ऐसा कुछ नहीं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, मतलब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, दूसरा सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समुद्रगुप्त की, सॉरी ए, समुद्रगुप्त की, ये तो स्कंदगुप्त है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्यभट्ट और बराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? बताइए, आर्यभट्ट और बराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो गुप्त वंश से संबंधित हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? बताइए, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के द्वारा समाप्त हो गया? तो हूणों के आक्रमण के द्वारा समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था इनमें से? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पहला गुप्त शासक कौन? तो श्रीगुप्त था, ये चंद्रगुप्त प्रथम लगाकर गलत मत कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, आयुर्वेद का भगवान किसको कहा जाता है? थंबनेल का प्रश्न है, किसको कहा जाता है आयुर्वेद का भगवान? तो धन्वंतरी को कहा जाता है आयुर्वेद का भगवान, इंपॉर्टेंट स्टैटिक चल रही है। देखिए हिस्ट्री की, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी? किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम बता दीजिए इनमें से। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। नंबर 11, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन है? श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12 है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा बताइए कौन सी है? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा है संस्कृत। कौन सी है? संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ कौन हो सकता है? आर्यभट्ट है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया गया था गुप्त संवत, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे गुप्त काल में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नंबर 17 है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको बोला जाता है विक्रमादित्य और किस नाम से भी जाना जाता था। खुद ही आंसर बता दिया, तो ऑप्शन नंबर सी लोहादित्य नहीं है। बहुत पूछते हैं इसको पीसीएस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? किन के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्तों के। किसके सिक्के? गुप्तों के। आपको पता ही होगा अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, जो समुद्रगुप्त है उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है सिक्कों पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, बाण भट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस सम्राट के राज दरबारी थे बाण भट्ट? तो हर्षवर्धन के थे ये। किसके थे? हर्षवर्धन के। क्वेश्चन नंबर 20 है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? बताइए कहाँ किया करता था हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, प्रयाग में किया करता था। तो कुछ इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन का रैपिड फायर था ये, ज़रा कमेंट करके बताइए किसके कितने सही हैं। 18 तक अगर सही कर दोगे तो अच्छी तैयारी है। तो जुड़े रहिए चैनल से, इसी तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हर दिन हल करते रहिए। लेसन देखने के लिए धन्यवाद।